बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद, टी आर बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज मैं एक मौजू लेके आपके क्योंकि मेरी फील्ड तो लव बर्ड्स ही है और जावा पे वर्क करता हूँ, गोल्डियन पे काम करता हूँ। तो ये तीन चार किस्म के बर्ड्स हैं जो मेरी हॉबी में शामिल हैं, मेरे बिजनेस में भी शामिल हैं, तो इन्हीं पे मेरी वर्किंग होती है। और अमूमन जब भी मेरी बात होती है तो मैं इन्हीं के हवाले से बात करता हूँ। तो आजकल एक बात जो बड़ी मार्केट में, देखिए लव बर्ड्स का थोड़ी जो गिरावट आई है वो सबको पता है, ठीक है। लव बर्ड्स में नहीं आई, हाँ एक बात है, लव बर्ड्स में नहीं आई, सारे बर्ड्स में आई है, मगर लव बर्ड्स का असर तमाम बर्ड्स पे पड़ा है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि अगर बर्ड हॉबी की अगर किसी को बैकबोन कहा जाए तो वो लव बर्ड्स था, ठीक है। अब लव बर्ड्स में अगर थोड़ा सा वक्त मुश्किल आया तो उसका असर आपके बड़े पैरट्स पे भी पड़ा, आपके गोल्डियन पे भी पड़ा, आपके जावा पे भी पड़ा, आपके डब पे पड़ा, आपके कनोर फैमिलीज पे भी पड़ा। तो यानी कि हर बर्ड पे उसके कुछ ना कुछ असरात थोड़े या ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसकी रीज़न क्या थी। रीज़न ये थी कि लव बर्ड जब लोगों के पास फ्लरिश करता था तो वही जो लोग होते थे फिर अदर बर्ड्स में मूव करते थे, अपने पास म्यूटेशंस को बढ़ाते थे, अपने पास डिफरेंट स्पीशीज को लेके आते थे। तो आजकल जो बात है, लोग बहुत 6-5 में मुबतला हैं, खासकर न्यू फैंसियर्स भी और जो हमारे पुराने फैंसियर्स हैं, ठीक है ना। बहुत पुराने बड़े फैंसियर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब मैं कमज़ोर सा बंदा हूँ तो मेरे ही जैसे जो फैंसियर्स हैं, ठीक है, या मेरे से थोड़े ऊपर या मेरे से थोड़े नीचे, या जो नए आने वाले या जिनको 1-2 साल हुए हैं, वो ऐसे लोग एक बात करते हुए मेरे यार ये आगे बर्ड्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, लव बर्ड का फ्यूचर क्या है। तो बात यह है कि देखिए लव बर्ड्स की जो प्राइसेस इस वक्त चल रही है ना, ये जो बंदे इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है परचेजिंग का। इस टाइम आपको क्वालिटी बर्ड बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है, तो इससे और क्या चाहिए आपको। आप पेल फेलोज लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आप क्रिमिनो, डकिनो, अल्पाइनो, रेड आई, स्प्लिट, पास्टेलिनो, जो बर्ड आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, पार्लो क्लाइन लेना चाहते हैं, डाइल्यूट्स लेना चाहते हैं। मैं उन बर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो जनरल पब्लिक लगाती है, मैं एक्वा की बात नहीं कर रहा, मैं सफायर की बात नहीं कर रहा, मैं डन फेलो की बात नहीं कर रहा, मैं उन बर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो जनरल पब्लिक लगाती है, जो नॉर्मल फैंसियर लगाते हैं, जो दरमियाने लोग फैंसियर जो है वो लगाते हैं, या जिनके पास 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो जो इस फील्ड में आते हैं या कुछ अरसे से वो काम कर रहे हैं, बर्ड की हॉबी को समझ चुके हैं, तो वो ये सवाल अमूमन करते हुए मुझे महसूस होते हैं, या मैं आगे पीछे जहाँ मेरा उठना बैठना होता है डिफरेंट ब्रीडर्स के पास, तो ये बात मुझे सुनने को मिलती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये अगर आप बर्ड्स की हॉबी में रहना चाहते हैं तो आप ये बेस्ट बाइंग टाइम है, ये बेस्ट बाइंग टाइम है। मैं आपको बताऊँ कि मैंने इस साल पहले मेरा जावा मेरे उसमें वाइट और मैं कर रहा था ग्रे जावा में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे जावा सिल्वर वाइट में इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फान में मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद मैंने गोल्डियन में काफ़ी फर्दर इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, फिर पेल फेलोज में की है, फिर डाइल्यूट्स में की है। तो कहने का मतलब है कि यार अगर अगर तो ये काम अगर आप ये सोच लें, अगर हर माइंड ये सोचना शुरू हो जाए कि पता नहीं इस काम का फ्यूचर क्या है, तो फिर तो आप समझिए कि बिल्कुल अंधेरी गली में अपने आप ही को टटोलते रहेंगे, मैं किधर हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपने आगे बढ़ना है, आगे इस काम से कुछ हासिल करना है, इससे काम से कुछ गेन करना है, और दूसरी तरफ अगर आपको अपने बर्ड से प्यार है, उनसे उनके साथ आपका एक लगाव है, उनको आगे देखना चाहते हैं, उनको फलना फूलना देखना चाहते हैं, उस फलने फूलने से आप अपने घर को चलाना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल पोजीशंस को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें बड़ी अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्कोप है।
ठीक है ना, लव बर्ड्स कहीं भी नहीं जाता, ना लव बर्ड कहीं ना जाता है, ना बाकी बर्ड जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जावा की अभी भी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, उसके बाद गोल्डियन की प्राइसेस बहुत अच्छी है, ठीक है ना, और लव बर्ड में पेयर फेलोज की प्राइसेस बहुत अच्छी जा रही हैं, तो इससे ऊपर की म्यूटेशन की भी प्राइसेस ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप काम करें, अगर हिम्मत आ रहेंगे तो फिर आप पीछे की तरफ आपका रिवर्स गियर लगेगा। आपने हर थोड़े टाइम के बाद फॉरवर्ड गियर लगाना है, ताकि आगे की तरफ जाएं, तरक्की की तरफ जाएं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। तो मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूं। देखिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोडक्शन आई थी, अच्छी गेन मैंने किया, मैंने लव बर्ड्स मेरे ऑल अराउंड जो पाकिस्तान है डिफरेंट सिटीज में मैंने कारकोस किए अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ के जो मेरा ताल्लुक, क्योंकि रावलपिंडी से, रावलपिंडी इस्लामाबाद और इसके मुजफाती इलाकों में भी मेरे बर्ड्स गए, और मेरे बाकी जो मेरे हमारे करीब के दाएं बाएं के मेरे भाई ब्रीडर्स हैं उनके बर्ड्स भी सेल हुए। तो अगर लव बर्ड नहीं आगे बढ़ रहा तो फिर ये बर्ड क्यों सेल हो रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त भी सेलिंग हो रही है तो वो लव बर्ड्स की सेलिंग हो रही है। मैं आप बताऊं कि आज भी मैं सुबह, मेरा ताल्लुक है रावलपिंडी से और मैं स्कर्दू के लिए कार्गो लगा के आया हूं। आज सुबह मैं स्कर्दू के लिए, स्कर्दू में मेरे मतलब एक इसी तरह सब्सक्राइबर भाई हैं, तो उनके लिए मैं आज सुबह तकरीबन 10 बजे मैं कार्गो लगा के आया हूं स्कर्दू के लिए। अब स्कर्दू का जो रास्ता है वो 18 घंटे का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड कराची भी जाते हैं, बलूचिस्तान के डिफरेंट शहरों में कोयटा वगैरह भी जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खैर से कुछ। अब इतने लोग जो पूरे पाकिस्तान से बर्ड्स बाय कर रहे हैं, तो क्या वो अपना फ्यूचर भी सोच रहे हैं? वो भी सोच रहे हैं, वो भी आगे बढ़ने की तगोदो कर रहे हैं। तो लव बर्ड के माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इतने ब्रीडर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा वो ये लोग कर रहे हैं कि वो अपने आप को थोड़ा कट टू साइज कर रहे हैं, यानी कि अगर किसी बंदे के पास 200 पेयर का सेटअप था तो वो 100 पेयर पे लेके आ रहा है, उसमें जो उससे ज्यादा गेन, अच्छी गेन हो सकती है वो पेयर लगा रहे हैं, और जिनमें जरा गेन कम होती है वो कम। इस वक्त अगर आप पापार ब्लू लगाना चाहते हैं, आपको बड़े कम रेट पे ब्लू फिशरीज लगाना चाहते हैं, ऑफलाइन लगाना चाहते हैं पार ब्लू ऑफलाइन लगाना चाहते हैं, लव बर्ड में डाइल्यूट्स लगाना चाहते हैं, तो ये माशाल्लाह पेल फेलो के स्प्लिट्स ले लें, फिर आप अल्बाइनो रेड आई ले लें, अल्बाइनो स्प्लिट ले लें, क्रिमिनो ले लें, डेकिनो ले लें, ये सारे बर्ड्स आपको माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्राइसेस में मिल रहे हैं। और मैं कहूँगा कि ये बेस्ट टाइम है बाइंग का, इस वक्त बर्ड परचेज करें, इंशाल्लाह आगे आपको फ़ायदा देंगे। बर्ड की मार्केट अल्लाह ने चाहा तो उठेगी भी। अगर मिसाल है, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप मिसाल ये ले लें कि अगर 5000 रुपये का अल्बाइनो बिकता है, मिसाल के तौर पे अगर 5000 रुपये का अल्बाइनो बिकता है, तो आप ये हिसाब लगा लें कि अगर 5000 में आप अल्बाइनो बेच रहे हैं, तो अगले साल अगर आप पे एक पेयर, जो इस टाइम मिसाल है, आप एक पेयर 8-10-7-8 हज़ार रुपये का एक पेयर अल्बाइनो रेड आई टू स्प्लिट का लेते हैं, और अगले साल अगर वो पहले ही क्लच में आपको 2 अल्बाइनो रेड आई दे दे और 2 स्प्लिट दे दे, तो आप क्या समझते हैं, आपको 15,000 रुपीस पहले ही क्लच में अगर मिल जाते हैं, तो अब आप देख लेना कि आपने इन्वेस्ट क्या किया। तो पहले ही क्लच में ले लिया, फिर सेकंड क्लच, थर्ड क्लच, फोर्थ क्लच, अगर 3 क्लच भी लें तो आप एवरेज लगा लें कि आपने क्या गेन किया, उसमें दाने का खर्चा निकाल लें, बाकी छोटे मोटे ग्रजात निकाल दें, तो आपकी गेन ये, जहां हमने 5-10 पेयर लगाने, इंशाल्लाह आपको उसकी उसका फायदा ही होगा इंशाल्लाह। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे बाइंग का, मैं क्योंकि आज मेरा जो मेन टॉपिक था कि बाइंग किस वक्त की जाए, तो मैं कहता हूं अगर इस सीजन की, आपने जो आगे ब्रीडिंग सीजन आ रहा है उस सीजन की अगर आपने बाइंग करनी है, तो ये बेस्ट टाइम है, अच्छे रेट्स पे बाय करें। देखिए जितने कम रेट्स पे आप बाय करेंगे, उतने ही कम रेट्स पे अगर आपके आगे बर्ड सेल भी हो जाते हैं, तो तब भी आपको नुकसान नहीं है। जब देखिए क्रिमिनो 35,000 रुपये का मिलता था, तो उस वक्त हम
बर्ड पे खर्चा भी ज्यादा करते थे उस वक्त। अगर हमारे दो क्रिमिनो आते थे, एक पेयर हमारा 50,000 रुपए का बनता था, तो उसमें से दो क्रिमिनो आते थे, दो स्प्लिट ये कोई का थ्रेड आई आ जाता तो हमारा लाख सवा लाख रुपए का उस वक्त हमारा एक क्या कहते हैं क्लच निकलता था। अगर एक क्लच उस वक्त लाख सवा लाख का निकलता था तो इस वक्त एक क्लच अगर आप 7-8 हजार की बाइंग करके 15-20 हजार रुपया आप एक क्लच का निकाल लें तो रेशियो तकरीबन आपकी वही बनती है, वही सेम रेशियो, बल्कि मैं तो समझता हूँ उससे भी आपकी रेशियो इम्प्रूव हो जाती है। तो बाकी बी पॉजिटिव अपने इस जो हॉबी है इसके बारे में पॉजिटिव रहे। माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हैं, रहीम अली ढिल्लू भाई हैं, गुजरात मुनव्वर, लाहौर के बड़े बड़े ब्रीडर, कराची के माशाल्लाह बड़े बड़े ब्रीडर, नवीद शेख साहब, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं माशाल्लाह ये सारे इस वक्त हॉबी की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान बेबी शोज बर्ड के, दूसरे बर्ड की इम्प्रूवमेंट के लिए जो उनके शोज होते हैं वो मुनक्कद हो रहे हैं। बाकी जो भी हो सकता है वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं। तो माशाल्लाह ये माशाल्लाह इस हॉबी ये इतनी फैल चुकी है तो इस हॉबी ने कहीं जाना नहीं है, मगर अगर आप हिम्मत करते रहेंगे तो ये हॉबी आगे बढ़ती रहेगी। और बेस्ट टाइम फिर कहूँगा बाइंग का यही है, सस्ते रेट्स में इस वक्त बर्ड लें, मैक्सिमम बर्ड लगाएं और मैक्सिमम उससे ब्रीड लेके आगे अच्छे रेट्स में बर्ड सेल करें। जितना आपके बर्ड ज़्यादा होंगे उतनी आपकी रेशियो ऑफ प्रॉफिट भी बेहतर हो जाएगा। बाकी मैं उम्मीद है मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपका अपना चैनल है, ये आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, प्रमोशन करता हूँ हॉबी की, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट में जो आपकी सजेशन है वो लिख दिया करें, और इसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक घंटी का बटन आता है ब्लैक से कलर का उसको दबा दिया करें, उसको क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए, जो भी मेरी तरफ से नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंचते रहें। बाकी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करे और इन आसानियों को आपको खल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।